कि अपने इस महाधिवेशन को केवल अपने दल दल के कार्यक्रम दल की नीतियों तक सीमित नहीं रखना है। अगर प्रतिनिधि का और प्रतिनिधियों का समर्थन हो तो इस महाधिवेशन को राज्यव्यापी बनाया जा सकता है। आप सभी के सहमति से इस पूरे 3 दिन के कार्यक्रम को राज्यव्यापी बनाने का निश्चय हम सब लोगों ने लिया है। रांची के ऐतिहासिक मोराबादी मैदान में 29 सितंबर से आजसू पार्टी के 3 दिवसीय केंद्रीय महाधिवेशन का शुभारंभ हुआ। केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो ने की कार्यक्रम की शुरुआत, वेदी पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान सुदेश महतो ने कहा कि इस महाधिवेशन को केवल अपने दल और उसकी नीतियों तक ही सीमित नहीं रखना है बल्कि राज्यव्यापी बनाने का निश्चय किया जाएगा। मैं आने से पहले इसकी तिथि से पहले मैंने प्रदेश के सभी अपने दल के प्रतिनिधियों से आग्रह किया था कि अपने इस महाधिवेशन को केवल अपने दल दल के कार्यक्रम दल की नीतियों तक सीमित नहीं रखना है। अगर प्रतिनिधि का और प्रतिनिधियों का समर्थन हो तो इस महाधिवेशन को राज्यव्यापी बनाया जा सकता है। और आज आप सभी के सहमति से इस पूरे 3 दिन के कार्यक्रम को राज्यव्यापी बनाने का निश्चय हम सब लोगों ने लिया है। जहां इस कार्यक्रम के माध्यम से हम साधारण गांव और ग्राम सभा को आपके साथ इस सभागार में जोड़ेंगे उन्हें उसके साथ साथ इस राज्य से बाहर या फिर देश से बाहर इस राज्य के बारे सोचने वाले राज्य का प्रतिनिधित्व बाहर करने वाले शिक्षा ग्रहण करने वाले समीक्ष करने वाले या दूर से राज्य को निहारने वाले ऐसे चिंतक विषयविदों को इस 3 दिन के पूरे अवधि में अलग अलग विषयों के आधार पर जोड़ने का भी निर्णय हमारा है। बता दें कि आने वाले 24 के चुनाव से पहले आजसू पार्टी इस केंद्रीय महाधिवेशन में चुनावों की रणनीति के साथ अपने आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा के साथ साथ पार्टी के संविधान पर भी अहम चर्चा करेगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए रांची से आशुतोष सिन्हा की रिपोर्ट।